अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए अपने मामू के घर। आपको पता होगा शायद कि पहले भी मैं आई थी आपको, मैंने उनका ड्राइंग रूम दिखाया था और उनके मामा पापा का रूम दिखाया था, मतलब अपने मामू और मामी का। तो आज मैं आपको और दिखाती हूँ, लॉन दिखाती हूँ, आज मैं आपको टेरेस दिखाती हूँ उनके घर का और कुछ जिम। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं उनके लॉन में। उनके घर में हम इंटर हो चुके हैं, अब ये उनका है लॉन। ये थोड़ा सा शोर ज़्यादा है एक्चुअली, इनको ना वो थोड़ा जू वगैरह टाइप, मतलब इनको जानवर वगैरह ज़्यादा पसंद है तो वो भी रखे हुए ना, तो इसलिए उनको थोड़ा सा शोर है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जो आपको एक्स्ट्रा शोर आ रहा है बीच में। तो अब क्या करें, उनको तो चुप करा नहीं सकते ना, वो अपनी मर्जी के मालिक है। तो सॉरी, तो अब हम जाते हैं। ये एक साइड का लॉन है और ये दूसरी साइड का। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। एक्चुअली सॉरी, बार बार थोड़ा कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा है, क्या करें, आपको पता है ना बच्चे, फिर बच्चे तो फिर किसकी सुनते नहीं हैं, तो थोड़े वीडियो ख़राब कर रहे हैं, तो इस वजह से रोक रोक के बनानी पड़ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन है। चलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, आपको टेरेस दिखाना था। चलिए एक्चुअली सॉरी, अभी बोलने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, शुरू शुरू है ना, तो थोड़ा कुछ सीखना सिखाना, उसके बाद से इंशाल्लाह बात करते करते आपकी, आप हमें सपोर्ट करें तो हम इंशाल्लाह ऐसे हमें कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बढ़ जाएगा, बोलने का तरीका भी अच्छा आ जाएगा। अच्छा, तो ये है इनका टेरेस। देखिए ये, बस अभी हम देखते हैं, अगर टाइम मिला तो हम इंशाल्लाह छत पे भी जाएंगे। ये कुछ परिंदे वगैरह, तीतर उड़ के नीचे आ गए, इधर उधर फिरते रहते हैं ना। इंशाल्लाह अगली दफ़ा या इस दफ़ा देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह छत पे भी जाएंगे। छत पे हमें आपको दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत प्यारा सिस्टम हुआ हुआ है, जू टाइप। तो सारे शौक इधर ही पूरे हो रहे हैं। चलिए अब हम आपको लेके जाते हैं उनके जिम की तरफ। ये देखिए शैंडलियर, माशाल्लाह। ये रहा जिम, वैसे अभी थोड़ा टाइम काफ़ी हो रहा है इस टाइम। तो ये है पंचिंग बैग, आई नो आपको पता होगा पंचिंग ग्लास, पर थोड़ा थोड़ा बताना भी तो पड़ता है ना, जिसको पता है तो, जिसको नहीं पता। ये वो हैं, क्या कहते हैं, फिश पॉन्ड्स। और चलिए आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जिम की। फिटनेस भी तो थोड़ी ज़रूरी है ना, फिट रहना अच्छी बात है, हेल्दी हेल्दी रहे बंदा, सेहत अच्छी रहती है। फिर ये कुछ मशीन्स वगैरह हैं, एक्चुअली आपको पता है कि लड़कियां तो मतलब फेस वगैरह ये पर्दे में शुमार होता है ना, फेस वगैरह नहीं दिखा सकते, वरना आपको करके दिखा देते थोड़ा मशीनों का यूज़। कोई भाई वगैरह भी नहीं अभी आया हुआ, वरना वो आपको करके दिखा देता। फ़िलहाल आप इस दफ़ा ये देख लें, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम आपको ये करके भी दिखाएंगे। कुर कुर।
अब हम आपको दिखाते हैं खाने की जो प्रिपरेशन हो रही है. प्रिपरेशन मामी का जायका है और भूख भी बहुत लगी है, वेट नहीं हो रहा. और चले अब हम खाने की तरफ चलते हैं. खाने में हम फ्राई फिश खा रहे हैं जो कि मेरी फेवरेट है. मेरी तो फेवरेट है, आप अपनी बताएं. और पुलाव है, चिकन पुलाव. और चलें अब हम खा पी के आते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए. खा पी के आते हैं और फिर हम आपसे आगे बात करते हैं. चलिए तब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़. चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब हम जब आएंगे तो आपको छत का विजिट करवा देंगे, रूफ का. वाह, एनिमल्स वगैरह, जू. तो आपको अच्छा इन थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना, सरप्राइज होने चाहिए. इसलिए एक बार में दिखाने का वो मज़ा नहीं है ना, जो थोड़ी थोड़ी एपिसोड से दिखाने का मज़ा है. तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कीजिए. आप हमें बताइए आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि हम उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें. चलिए तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा. और आजकल आप जानते हैं कोरोना वायरस बहुत आया हुआ है, तो उससे तो आप सब देख सकते हैं अभी रात हो गई है, अंधेरा बहुत है. ये एक्चुअली मैं आपको आसमान दिखाने की कोशिश करी जो कि नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा. तो वैसे व्यू अच्छा है पर सितारे बहुत ही कम हैं और थोड़ा क्लाउडी. और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, तो उसे आप एहतियात कीजिए. बार बार हाथ धोइए, साबुन का यूज़, सोप का यूज़ बहुत ज़्यादा कीजिए. थोड़ी देर बाद हाथ धोइए, मास्क लगाइए से बचने के लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा अभी तक फैला नहीं है. और इंशाल्लाह दुआ है कि जल्दी से जिनको अगर ये वायरस हो भी गया है तो उनको अल्लाह ताला जल्दी से सेहत और आफियत अता फरमाए और बिल्कुल ठीक कर दे. और मास्क का यूज़ कीजिए और घर से बाहर निकलना थोड़ा कम कीजिए. और बच्चों को भी, बच्चे आजकल होते हैं ना बाहर शॉप्स की चीज़ें वगैरह खाने के शौकीन होते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं. तो उससे एहतियात करवाइए, क्योंकि वो वैसे अच्छी होती भी नहीं है. और आजकल वैसे सुना जा रहा है कि ये इससे थोड़ा वायरस का शिकार भी बंदा ज़्यादा हो रहा है. तो उससे बचिए एंड खुश रहिए, लोगों को औरों को भी खुश कीजिए. और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए. और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. आप सब अपना ख्याल. ये अभी इससे हम छत पे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा अंधेरा है. इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और ये जो आगे पीछे साउंड हैं उनको भी इग्नोर कीजिए. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफिज़. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. स्टे विद अस फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड.